जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत सिरौली के सिरौली पुरवा गांव में बीती रात लगभग 12 बजे हरिनाम पुत्र रामदत्त ने अपने लेटने और बैठने के लिए पक्की ईंटों की दीवार को ऐसे ही बनाकर तैयार कर उस पर एक छप्पर रखा था। अचानक दीवार गिर गई, जिसके पास में चारपाई पर लेटे हुए अमेरिका पुत्र रामदत्त उम्र लगभग 48 वर्ष व पुनीत कुमार पुत्र राकेश कुमार उम्र 7 वर्ष निवासी सिरौली पुरवा थाना महमूदाबाद सीतापुर सहित दो भैंस के बच्चे भी दीवार के मलबे के अंदर दब गए थे, जिन्हें पास में रह रहे मौजूद विनोद कुमार पुत्र नत्था, राम विलास पुत्र बद्री, राम पुत्र बहादुर आदि लोगों की मदद से दोनों लोगों को मलबे से निकालकर आनंद फानंद में नजदीकी अस्पताल के पास ले जाया गया, जहां पर दोनों घायलों का उपचार किया गया और सवेरे जानकारी अनुसार हरिनाम पुत्र रामदत्त भी उसी दीवार पर रखे छप्पर के नीचे दब गए थे। उन्हें भी ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया था और सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में इलाज व जाँच कराने के लिए ले जाया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, जो आपके पीछे दीवार गिरी है, ये कुछ जानकारी है कैसे क्या हुआ? जानकारी रात पता नहीं कितना गिर गया दीवार है या और दोनों जन दबे पड़े रहे के तरह। कौन कौन दब गया था? अमेरिका प्रसाद उनका पोता, तो हम खोद खोद निकाले तो चिल्लाई रहा, तो गांव के सब दौड़े तो उनके घर का बुलावे गए रहा, चिटौने में यहाँ गया है, बुला के बाद आए तो उनके चौराहे पर उनके दवा ववा कराने हैं और उनके दर्द काफ़ी हो रही है। अच्छा, लगभग कितने बजे गिरी थी दीवार? ये लमसम गिरी है 12:20 पर। 12:20 पर, हाँ। तो दो लोग दब गए थे इसके? अरे बहुत चोटा के दबे पड़े रहा है, खोद खोद इतना सब बन गया, हम निकाल निकाल बोले नहीं पाते हैं, कैसे दबे पड़े रहा है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार, पिताजी का नाम? श्री अमेरिका प्रसाद। कहाँ रहते हैं? सिरौली पुरवा। ये जो आपके पीछे दीवार गिरी है, कैसे गिर गई है? रात में पता नहीं कैसे गिर गई, हमारे कोई जानकारी नहीं रहा, पहुड़े रहे हैं तो आज हमारे वहाँ पिताजी हो और नाम हो पहुड़े रहे। तो इसमें किसी को चोट वोट भी आई है? चोट हमारे वहाँ भतीजा और हमारे वहाँ पिताजी दबे रहे, दो लीचर दबे रहे तो भैंस के रहे। अच्छा, तो बहुत खादी निकाले गए, चोट तो ज़्यादा लगी है। कितने बजे की घटना है? 12:30 बजे के बीच की बात है। अच्छा, तो दब गए थे इसके नीचे? नीचे पूरे दबे रहे, दिखाते नहीं रहे दोनों। अच्छा, कोई दिखाई नहीं दे रहा? फिर कैसे क्या उनको बाहर निकाला गया? कैसे बहुत खादी निकाले गए, जिंदा हो पड़ोस में रहा रहा है, रामू ठीक है, मतलब चार पाँच लोगों के द्वारा निकाला गया। फिर उसके बाद क्या? यहाँ लगदीजी रहा चौराहे पर डॉक्टर उठे वहाँ लेके गए तो इलाज उलाज करे, बहुत रात फिर नहीं परेशान रहे, तो अब सुबह सरकारी अस्पताल का देखा गया।